आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। आज का हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं चारों में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है ठीक है अब हमारे ऑप्शन से पढ़ के हमें ये पता लग रहा है कि ये ऑप्शन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए के बारे में बात हैं जैसे कि ऑप्शन वन बोल रहा है सर्कुलर डीएनए बट क्लोरोप्लास्ट लैकेट ऑप्शन टू बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट कंटेन सर्कुलर डीएनए बट माइटोकॉन्ड्रिया इट ऑप्शन थ्री बोल कंटेन एनी डीएनए ठीक है अब हमें पता है कि हमारा जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं एटीपी प्रोडक्शन या फिर एनर्जी प्रोडक्शन हाउस ये किस चीज में हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जो भी हमारे बॉडी में या किसी भी प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से नेक्स्ट हमारा आता है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किस प्रोसेस में ग्रीन कलर देने में लीव्स को जो बाद में हेल्प करती है किस चीज में फोटोसिंथेसिस में ठीक है तो हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया और हमारे क्लोरोप्लास्ट दोनों ऑर्गेनलीज हैं, ठीक है अब इनके बारे में इनके डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, इनके पास होता है पहली बात तो ये हमारे क्या है प्रोकैरियोट्स, दैट इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनलीज ठीक है उनके पास उनका खुद का जीन होता है दैट इज हैव देयर ओन जीन ओन जीन है उनके जो क्या होते हैं काफी स्मॉल और सर्कुलर दैट इज स्म एंड सर्कुलर क्रोमोजोम पे सिचुएटेड होते हैं स्मॉल एंड सर्कुलर क्रोमोजोम पे हमारे जो जीन्स होते हैं दैट इज क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोव के जो जीन्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं इन पे ठीक है और दे लैक न्यूक्लियस इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है ठीक है आफ्टर उसके बाद क्या होता है दिस क्रोमोजोम जो भी एक क्रोमोजोम हमारे पास है इनके पास नॉन कोडिंग डीएनए होता है दैट इज नॉन कोडिंग डीएनए ठीक है अब इन, इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन वन ने बोला था कि माइट्रोकॉन्डियो के पास तो सर्कुलर डीएनए होता है बट क्लोरोप्लास्ट के पास नहीं होता है ऑप्शन गलत है ऑप्शन टू क्लोरोप्लास्ट कंटेन सर्कुलर डीएनए बट माइट्रोकॉन्डियो लैकेट ये भी गलत है हमने ये पढ़ा है कि दोनों प्रोकैरियोट्स और दोनों के पास हमारा स्मॉल और सर्कुलर क्रोमोजम है ठीक है जिसके ऊपर उसका जेनेटिक मटेरियल है उनके ऑन जीन्स हैं दैट इज डीएनए है ऑप्शन थर्ड बोल रहा है ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि दोनों के पास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल देन कम्स बोथ माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन सर्कुलर डीएनए ये ऑप्शन एकदम सही है कि हमारे जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं या हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके पास जो डीएनए होता है वो स्मॉल एंड सर्कुलर होता है तो इससे हमें पता लग गया ऑप्शन फोर हमारा सही है टेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर